एक दिन 6 साल की एक लड़की स्कूल से घर आई और उसने पूछा, मम्मा मैं कैसे पैदा हुई थी? मां को शर्मिंदगी हुई। वो बोली, एक सारस पक्षी तुम्हें गिरा गया था। लड़की बोली, ठीक है, और लिख लिया। मम्मा आप कैसे पैदा हुई थी? मुझे भी एक पक्षी गिरा गया था। मम्मा नानी कैसे पैदा हुई थी? उन्हें भी एक पक्षी गिरा गया था। तब लड़की सीरियस हो गई, नीचे गई और अपने होमवर्क में कुछ लिखना शुरू कर दिया। मां तब थोड़ी परेशानी महसूस कर रही थी। खाना पकाने के बाद वो आई और तब लड़की अपना होमवर्क पूरा कर चुकी थी और नोटबुक वहीं छोड़ गई थी। मां ने जाकर पढ़ा तो ये वंशावली के बारे में एक निबंध था। तो बच्ची ने लिखा था, मेरे परिवार में 3 पीढ़ियों से किसी का भी प्राकृतिक जन्म नहीं हुआ है। तो इन बेतुके आइडियाज की वजह से या तो हम किसी चीज को बहुत बड़ा चढ़ा देते हैं या फिर हम बेवजह छुपाने की कोशिश करते हैं। इसकी आपकी जिंदगी में एक भूमिका है। अगर आप इसे बहुत बड़ा चढ़ा लेंगे तो यह आपके दिमाग में एक विकृति बन जाएगा। अगर आप इससे दूर रहना चाहेंगे तो आप अपने मन में और भी ज्यादा विकृत हो जाएंगे। तो कई कारण हो सकते हैं कि कोई क्यों सेक्स में आसक्त होता है। किसी के लिए यह बस सुख है और किसी के लिए ये रिश्ते और संबंध बनाने का एक तरीका है। नहीं तो लोगों को लगता है कि वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। हो सकता है वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कई सारे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है कि अगर उनके बीच सेक्स नहीं है तो असल में वो एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। ऐसा नहीं है। आप शारीरिक रूप से न जुड़कर भी किसी से बहुत करीब से जुड़े हो सकते हैं, है कि नहीं? लेकिन समाज दिमाग में भर रहे हैं, खासकर दुनिया के इस हिस्से में लोगों के मन में ये बैठ गया है, अगर सेक्स नहीं है तो वास्तव में आपका रिश्ता ही नहीं है। असल में रिलेशनशिप शब्द ही इसे, मुझे ये समझने में कुछ टाइम लगा कि यहां अगर आप कहते हैं रिलेशनशिप तो उसे शारीरिक संबंध समझा जाना चाहिए और कुछ रिलेशनशिप नहीं है। अगर मेरा आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता हो सकता है आपके शरीर की परवाह किए बिना, है कि नहीं? हां, आपके शरीर के प्रति मेरा कोई आकर्षण नहीं है पर मेरा आपके साथ एक बहुत गहरा संबंध हो सकता है। पर ये सभी संभावनाएं पूरी तरह से खत्म कर दी गई हैं। एक रिलेशनशिप मतलब आपको किसी तरह से शरीर से जुड़ा होना होगा, पुरुष महिला या पुरुष पुरुष महिला महिला, जो भी आपको पसंद हो। पर असल में शरीर से बने रिश्ते, किस तरह का शरीर वो व्यक्तिगत चॉइस है, पर असल में शारीरिक संबंध। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर के साथ हमारी पहचान सामान्य स्तर से आगे निकल चुकी है। शरीर के साथ जरूरत से ज्यादा पहचान जुड़ी है, इसलिए शारीरिक रिश्ते समाज का मुख्य बिंदु बन गए हैं। असल में ज्यादातर कामुकता जो इस दुनिया में हो रही है वो बस एक स्तर की विवशता के चलते हो रही है, है कि नहीं? विवशता में बंध कर हो रही है। आखिरकार अभी मैं बोल रहा हूं ये एक तरह की ऊर्जा है। आप मुझे देख रहे हैं ये एक तरह की ऊर्जा है। आप मुझे सुन रहे हैं वो एक तरह की ऊर्जा है। ये इसी जीवन ऊर्जा की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं, है ना? अब कामुकता भी उसी ऊर्जा की एक और अभिव्यक्ति है। तो व्यक्ति को यह तय करना चाहिए कि उसकी कितनी ऊर्जा किस दिशा में वो लगाना चाहता है, क्योंकि आखिरकार आप एक सीमित मात्रा की ऊर्जा हैं, है ना? देखिए, यह ऐसा है कि आपकी कुछ आमदनी है। मान लेते हैं आपके पास महीने के 50,000 रुपए हैं। घर के किराए के लिए कितना, खाने के लिए कितना, स्कूलिंग के लिए कितना, मौज मस्ती के लिए कितना, छुट्टियों के लिए कितना, ऐसे आप बांटते हैं, है ना? कल सुबह आपको सैलरी मिली और शाम को आपने बाहर जाकर उड़ा दी। अब अगला महीना परेशानी भरा होने वाला है, है कि नहीं? ठीक है, आपके पास क्रेडिट कार्ड है, लेकिन आपकी जिंदगी में हर चीज, अगर आप जिंदगी को समझदारी से संभालते हैं तो आप उसकी हर चीज को बांटते हैं, आपकी अपनी समझ, अपनी जरूरत और अपनी क्षमता के हिसाब से, है कि नहीं? यस।
आपका पैसा, समय, ऊर्जा, क्या हर चीज को आप नहीं बांटते जैसा आप उन्हें बांटना चाहते हैं? ये भी वही चीज है, इसकी कितनी जरूरत है? पहली बात तो क्या आपको जरूरत है, या आप इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाज ने दिमाग में ये भर दिया है? अगर ये एक जरूरत है और मैं आपसे इसे रोक देने को कहूं तो आप विकृत हो जाएंगे, क्योंकि ये सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी। और अगर कोई आपको कह रहा है कि तुम्हें करना ही होगा, अगर नहीं करोगे तो तुम नॉर्मल नहीं हो, तो एक दूसरे तरह की विकृति आ जाएगी। दोनों की जरूरत नहीं है। बस इतना है कि अगर इसकी इच्छा है तो आप उपभोग करते हैं, लेकिन आप उसकी सीमा को समझते हैं। आखिरकार आप पुरुष और महिला के पीछे नहीं जा रहे, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, आप एक तरह के सुखद अनुभव के पीछे जा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने किसी सुखदता का अनुभव किया तो क्या आप उसमें और गहरे नहीं उतरना चाहेंगे? क्योंकि जो भी सुखद अनुभव हुआ है, शायद आपने दूसरे व्यक्ति को माध्यम बनाया, लेकिन यह सुखद अनुभव आपके भीतर हुआ है ना। तो मान लीजिए वैसे भी यह अनुभव आपके भीतर हो रहा है, दूसरा व्यक्ति इसे खोलने की बस एक चाबी है, तो क्या आप चाबी को अपने हाथों में नहीं रखना चाहेंगे? हाँ, यानी कि अगर आप ऐसे बैठे हैं तो आप चालू हैं पूरी तरह से, आपको किसी की जरूरत नहीं, क्योंकि किसी से सुख लेने के लिए आपको कई तरह के नाटक करने पड़ते हैं। ये यूं ही नहीं हो जाता, इसे अंग्रेजी में कोटिंग कहते हैं। एक बार आप कोर्ट जाते हैं तो फैसले का दिन भी आता है। इसमें भारी मात्रा में समय, प्रयास, ऊर्जा और हर तरह की चीजें लगती हैं। खीज, जलन, समस्याएं, सब कुछ इसके साथ जुड़ा होता है। अगर आप लगातार ये देखते रहते हैं कि मुझे इस व्यक्ति से क्या मिल सकता है, उस व्यक्ति से क्या मिल सकता है, तो ये ठगी है। इसे लव अफेयर कहते हैं, पर ये ठगी है। लेकिन अगर आप खुद से ही एकदम परम आनंदित हैं और जब लोगों के साथ हैं, तो ये उस परमानंद को बांटने के बारे में है। ये इस बारे में है कि अगर उन्हें इसका स्पर्श नहीं हुआ है तो किसी तरह उन्हें इसका स्पर्श दें, न कि इस बारे में कि आप उनसे क्या निचोड़ सकते हैं। तब आपके जीवन की पूरी बुनियाद बदल जाती है।